नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम लोगों को सॉल्ट शुरू करना है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल आज मैं काफी हद तक सॉल्ट खत्म भी कर दूंगा। वैसे सॉल्ट काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और मैं आपको काफी सारी बातें बताऊंगा इसमें। कि सॉल्ट के बारे में क्या बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है कि सॉल्ट जो होते हैं, हिंदी में उन्हें लवण कहा जाता है। बेसिकली बच्चों, ये जो सॉल्ट होते हैं ना हमारे, इनका जो नेचर होता है असल में तो होता है न्यूट्रल। कैसा नेचर होता है इनका? न्यूट्रल नेचर होता है। न्यूट्रल बोले तो उदासीन, उदासीन इनकी प्रकृति होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है, न्यूट्रल। लेकिन बच्चों, मैंने आपको बताया था कुछ केसेस में सॉल्ट हमारा एसिडिक भी होता है, मतलब अम्लीय भी होता है, और कुछ केसेस में सॉल्ट हमारा बेसिक भी होता है, मीन्स क्षारीय भी होता है। ठीक है बच्चों, अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। तो ऐसे कुछ सॉल्ट हमारे पास हैं जिसका हम नाम लिख सकते हैं। जैसे न्यूट्रल में आप लिख सकते हो, मान लो मैंने ले लिया NaCl, इसको आप कहते हो सोडियम क्लोराइड। ये आपका एक क्या है भाई? ये आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। आपको अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक में आप क्या ले सकते हैं भाई? बेसिक में आप ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। ये आपका बेसिक यानी कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट। ये आपका एक क्या है? बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। अगर मैं एसिड का नाम लूं, एसिडिक सॉल्ट का, तो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से सॉल्ट के हमारे पास कई प्रकार हैं, बहुत सारे सॉल्ट हैं यार हमारे पास, बहुत सारे सॉल्ट। एल्युमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जितने भी हमारे पास सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी हैं हमारे साथ, क्या है? ये सॉल्ट ही है। ये हमारे पास क्या है? सॉल्ट ही है। लेकिन सॉल्ट के इसमें कुछ नेचर है, सॉल्ट के इनमें क्या है? कुछ नेचर है। सॉल्ट हमारे पास बिल्कुल न्यूट्रल नेचर का भी हो सकता है, एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, और बेसिक नेचर का भी हो सकता है। अब बात आती है कि न्यूट्रल नेचर के सॉल्ट कौन से होते हैं जिनका पीएच एग्जैक्ट 7 होता है। जिनका पीएच एग्जैक्ट क्या होता है? 7 होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। और जिनका पीएच 7 से कम होता है, ठीक है, थोड़ा सा कम होता है, वो क्या होते हैं? एसिडिक सॉल्ट होते हैं। जबकि बच्चों, जिनका पीएच 7 से बड़ा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिक, मतलब क्या? क्षारीय सॉल्ट, लवण या बेसिक सॉल्ट हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ये तीन नाम लिखे हैं, ठीक है। मोस्टली पेपर में पूछा जाएगा, एक ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप कोई सभी लिख दीजिएगा, बाकी अभी मैं आगे आगे जैसे जैसे सिखाऊंगा तो आपको बहुत सारी बातें इसमें बताई जाएंगी, ठीक है। अच्छा, वैसे देखो, अगर कहोगे तो देखो मैं आपको बहुत सारा बताता हूँ। देखो मैं बताता हूँ, जैसे चलो इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। इसको नोट करो, नोट करो, मैं आपके सामने ना तो कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है। नोट करो, इसे नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया। चलो अब देखना जरा, अब देखना। देखो मैं कुछ ना नाम लिख रहा हूँ, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, ठीक। अब देखना जरा, जरा फर्स्ट KOH एंड H2SO4, इधर की तरफ मैं बेस लिख रहा हूं, और बेस लिख रहा हूं इस तरफ, और एसिड लिख रहा हूं इस तरफ। हिंदी वाले समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। के सार है ये, अम्ल। यहां पे NaOH, यहां पे CaOH ट्वाइस, यहां पे MgOH ट्वाइस, यहाँ पे CuOH ट्वाइस, यहाँ पे NaOH, यहाँ पे भी NaOH, यहाँ पे भी NaOH, और यहाँ पर NH4OH, ठीक है, और यहाँ पे H2SO4, 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 ठीक है। यहाँ पे HCl, यहाँ पे HNO3, यहाँ पे H2CO3, यहाँ पे HCl, ठीक है। अब इनके पास जो सॉल्ट बना, देखना जरा, ध्यान देखना, सॉल्ट क्या बना? K2SO4। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे सॉल्ट बना Na2SO4, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट बना CaSO4,
यहाँ पे सॉल्ट बना MgSO4, यहाँ पे सॉल्ट बना CuSO4, यहाँ पे सॉल्ट बना NaCl, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट बना NaNO3, यहाँ पे सॉल्ट बना Na2CO3 और यहाँ पे सॉल्ट बना NH4CN, ठीक है। इन सॉल्ट के नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, हिंदी में भी यही नाम है, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। ये इसका नाम है सोडियम सल्फेट, ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसका सोडियम क्लोराइड, इसका सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, इसका सोडियम कार्बोनेट और इसका क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आप, आपके सामने मैंने ये लिख दिया बेस और एसिड, जिनसे मिलके क्या बने हैं, जिनसे मिलके सॉल्ट बने हैं, जिनसे मिलके क्या बने हैं, सॉल्ट, और ये हैं सॉल्ट के नाम। मुझे ना इसका नेचर बताओ, इसकी प्रकृति बताओ, नेचर बताओ, प्रकृति बताओ कि हाँ भाई इनका नेचर कैसा होगा, सॉल्ट तो है लेकिन इनका नेचर कैसा होगा। अरे देखो, ये है KOH, KOH होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और SO4, H2SO4 क्या होता है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, तो भाई जो पोटेशियम सल्फेट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, कैसा होगा, न्यूट्रल, क्यों, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, NaOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये H2SO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है। अब CaOH2, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक वीक बेस होता है, जबकि ये कौन है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मतलब CaSO4 कैल्शियम सल्फेट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक, अम्लीय होगा। MgOH2, हाँ भाई ये भी क्या है, वीक बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या होगा ऐसे में, ये भी सॉल्ट कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। अगला CuOH2, तो ये भी क्या है, वीक बेस, ये भी क्या है, वीक बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बस बात खत्म, ये भी कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, यानी एसिडिक सॉल्ट होगा। अच्छा, ये NaOH, अब देखो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग ये एसिड, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा न्यूट्रल, क्या बनेगा, न्यूट्रल। अच्छा, NaOH स्ट्रॉन्ग, HNO3 स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो भाई क्या बनेगा, न्यूट्रल, ठीक है। NaOH स्ट्रॉन्ग, देखो अब की बार देखना, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन H2CO3 क्या होता है, कार्बनिक एसिड, ठीक है, तो ये क्या है, वीक एसिड है, तो ऐसी सिचुएशन में Na2CO3 बन गया, तो ये क्या होगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब देखो NH4OH ये क्या है, वीक बेस, क्या है, वीक बेस, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका मतलब ये कैसा बनेगा भाई, ये बनेगा एसिडिक, समझ में आ रही है बात, ठीक। पता ही है, न्यूट्रल को बोलते हैं उदासीन, एसिडिक को बोलते हैं क्या भाई, अम्लीय, और बेसिक को बोलते हैं क्या भाई, क्षारीय। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग सॉल्ट का नेचर पता करते हैं, सॉल्ट का क्या पता करते हैं, नेचर पता करते हैं। तो देखो मैंने A to Z आपको कैसे सॉल्ट बनते हैं और कितने तरह के सॉल्ट होते हैं, ठीक है, आपके जरूरत के हिसाब से, अभी तो और भी बहुत सारे हैं सॉल्ट, लेकिन आपके जरूरत के हिसाब से मैंने सारे सॉल्ट लिखवा दिए हैं, ठीक है। फटाफट इसको 2 मिनट में नोट कर लो, ठीक, फिर मैं आपको नए टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये हर सॉल्ट की ऑलमोस्ट नींव किससे बनी है, ठीक है, हर सॉल्ट का एक मतलब क्या है, वो कहां से शुरुआत हुई है इसकी, सॉल्ट बनना कौन से तरीके, कहां से शुरू हुआ है। तो देखो हमारे हिसाब से भाई, मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि सारे के सारे सॉल्ट ना कॉमन सॉल्ट से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट मतलब क्या, कि ऐसा सॉल्ट जिससे कई सारे और सॉल्ट तैयार हो रहे हैं, जिनके लिए जो कई सारे सॉल्टों का कॉमन सॉल्ट है, कॉमन मतलब क्या, कि उसके बिना वो बन ही नहीं सकते थे,
जो बन चुके हैं वो उस सॉल्ट के बिना बन ही नहीं सकते थे। तो कौन होता है भाई कॉमन सॉल्ट? हिंदी में साधारण साधारण लवण, ठीक है, जिसका नाम है NaCl। तो याद रखना, सोडियम क्लोराइड का ही दूसरा नाम, सोडियम क्लोराइड का ही दूसरा नाम कॉमन सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड का ही दूसरा नाम कॉमन सॉल्ट है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब कैसे बनता है ये? अगर देखो मैं आपको साइंस के हिसाब से सिखाऊं तो देखो ऐसे बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनकी आपस में रिएक्शन करवा दो, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या होगा भाई? HCl और Na, तो क्या बनेगा? NaCl, और H और OH क्या बनेगा? H2O। तो वाटर तो हट जाएगा, ये क्या आ गया? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक क्या होता है बच्चों? एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। एक क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। और बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट से कई सारे सॉल्ट बनाए जाते हैं। इस सॉल्ट से क्या बनाए जाते हैं बच्चों? कई सारे सॉल्ट बनाए जाते हैं, और आपको एग्जाम में भी यही ज्यादातर पूछा जाएगा, ठीक है, कि भाई NaCl से कौन कौन से सॉल्ट बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने कॉमन सॉल्ट के बारे में यहाँ पे देख लिया कि भाई कॉमन सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, HCl प्लस में NaOH, और क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। एक तरीका और होता है बच्चों कॉमन सॉल्ट बनाने का, ये कॉमन सॉल्ट बनाने का एक तरीका और होता है। अब भाई हमारे पास दुनिया में इतना सारा HCl या इतना सारा NaOH थोड़ी है कि भाई पूरी दुनिया के लोग, अब एक बार बताओ असल में NaCl है कौन? नमक, जो आप लोग अपने घर में नमक खाते हैं अपनी सब्जियों में, भाई रोटी में, चावल में, जिसमें भी आप लोग हल्का हल्का नमक डालते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है, तो वो सारे का सारा नमक कौन है? NaCl है। अब क्या NaCl जो आपके पास आता है क्या वो सबका सब ऐसे ही बनता है? क्या वो सबका सब ऐसे ही बनता है? तो भाई बनता है ऐसे ही है, बनता ऐसे ही है, लेकिन प्रैक्टिकली करा के नहीं, ये हम समुद्रों से लेकर आते हैं। अब बोलोगे कि समुद्र में कहाँ से बनता है भाई? तो समुद्र में बच्चों आपको देखो मैं एक तरीके से अगर बताऊं, है ना, घबराना मत और ऐसा मत सोचना कि ये क्या बता दिया, ये साइंस की भाषा है, और साइंस की भाषा के हिसाब से हमें टॉपिक को समझाना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों ये असल में क्या होता है, आपको पता है समुद्रों से नमक निकलता है, ठीक है, तो समुद्रों के अंदर क्या नमक बनाने की मशीन लगी हुई है? तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। समुद्रों के अंदर होता क्या है कि वहां पे आपको पता है समुद्रों में मछलियां होती हैं, एक्वाटिक लाइफ के जितने भी एनिमल्स होते हैं, जो भी आप समझ सकते हो सारे के सारे, दरियाई घोड़ा वगैरह, ये वो मछली वछली, व्हेल मछली, इतने सारे, तो लगातार पानी को पीते हैं, बाहर निकालते हैं, पानी को पीते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इस तरीके से वो अपनी एक्वाटिक लाइफ में जितनी भी चीजें अपने बॉडी से निकालते हैं वो सारी की सारी धीरे 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 क्या होती है भाई? भारी हो के समुद्रों के किनारे पे आ जाती हैं, और समुद्र के किनारों पे आने के बाद जब उनके ऊपर हीट पड़ती है, धूप की हीट पड़ती है, तो वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं, रवे के रूप में आ जाते हैं। किसके रूप में आ जाते हैं बच्चों? रवे के रूप में आ जाते हैं, क्रिस्टल के रूप में आ जाते हैं, और वो क्रिस्टल जो है बाद में चमकने लगता है, जिसके अंदर हल्का सा नमकीन टेस्ट, ठीक है, मतलब सॉल्टी टेस्ट होता है, ठीक है, और वो टेस्ट जो है यानी, और बाद में जाके फ्लेवर वगैरह डाले भी जाते हैं इसमें, ठीक है, तो उन नमक को उठा के पैकेट में पैक किया जाता है। लेकिन ये नहीं कि बस देखा समुद्र के पास, हाँ भाई बहुत सारा नमक आ गया पैकेट में पैक करो, नहीं, उनको बच्चों फैक्ट्रियों में लेके जाया जाता है, और उस नमक को बहुत बार रिफाइंड करके उसको साफ करके उसकी सारी गंदगी बाहर निकाल के, जब तक उसका एक एक क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, ठीक है, आप देखते होंगे अगर आप लोग जो भी सॉल्ट खाते हैं, ठीक है, जो भी सॉल्ट, मैं ऐसे क्या भाई मैं क्या बता सकता हूँ कौन कौन से सॉल्ट हैं, वैसे आपको पता ही है देश का नमक जो फेमस नमक इतना चल रहा है, ठीक है, तो उस नमक को अगर आप देखते हैं, अगर आप उठा के देखेंगे तो देखते हो उसका एक एक पार्ट जो है, एक एक उसका क्रिस्टल आपके हाथ से लगातार छूटता चला जाता है। तो क्यों? क्या आप अगर समुद्रों पे उठाओगे तो ऐसे होगा? कभी नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि समुद्रों पे जो है नमक होंगे वो बड़े चिपचिपे से होंगे, बड़े अजीब से होंगे, लेकिन जैसे ही आप कहोगे सर ये नमक तो पानी में घुल जाता तो वहां से कैसे, तो बच्चों मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे वो जो फॉर्म होता है वो उसका मोल्टन स्टेट फॉर्म होता है, ठीक है, और वो जो लास्ट में आके इकट्ठा हो जाता है क्रिस्टल फॉर्म में धूप पड़ने से होता है, लेकिन उनको उठा के फिर लेके जाया जाता है जहां पे उसे बार 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 रिफाइंड करके उसको क्रिस्टल फॉर्म में और प्योर फॉर्म में लेकर आया जाता है, और फिर आपके घरों तक जो पहुंचता है जो नमक वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती, कोई गंदगी नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों नमक को समुद्रों से भी बनाया जाता है, इससे बनाया जाता है। अब कुछ बच्चों का वो क्वेश्चन होता है सर ये काला नमक जो होता है ब्लैक सॉल्ट, ठीक है, ये कहाँ से बनाया जाता है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं ब्लैक सॉल्ट ना कोई सॉल्ट नहीं है, वो एक पत्थर है, एक सेल है, मतलब एक रॉक है, ठीक है, उस पत्थरों को तोड़ा जाता है, उन पत्थरों को तोड़ा जाता है, और उन पत्थरों को पीस के
नमक बनाया जाता है उन पत्थरों को पीस के। अब इसे कहोगे कि सर ये काला तो होता नहीं दिखने में, लेकिन भाई जब ये उस पत्थर को, उस चट्टान को जब आप तोड़ोगे ना, तो पत्थर ही आपको कैसा दिखेगा, काले कलर का दिखेगा। इस वजह से उसको ब्लैक सॉल्ट बोला जाता है। और उसको पीस के फिर क्या कहा जाता है भाई, खाने में, सैलेड में, जिसमें भी आप लोग खाते हैं, तो भाई वो ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सॉल्ट बनाने का जो साइंटिफिक तरीका है भाई, कौन सा सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड वाला, वो यही सॉल्ट, इस तरह ये तरीका है। बाकी समुद्रों में, ठीक है, पहाड़ों से, ये अलग अलग तरीके से निकलते रहते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का सॉल्ट नंबर फर्स्ट। नहीं, एक मिनट, और भी एक बात पढ़ानी है, वो भी देख लो। अच्छा, अब बच्चों एक बात और बताना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, सॉल्ट ना दो तरीके के होते हैं, लवण ना दो तरीके के होते हैं। अभी तो बोल रहे थे कि सर आपने बताया था तीन तरीके के होते हैं, ठीक है, तो वो तो क्या थे भाई, उसके टाइप्स थे। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, इसके मोड्स पढ़ रहे हैं। कैसे मोड्स हैं? एक होता बच्चों हाइड्रस, हाइड्रस सॉल्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं जल योजित लवण, और एक होता है एनहाइड्रस सॉल्ट। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, कई बच्चों को इस चक्कर में समझ में नहीं आती बहुत सारी बातें। एनहाइड्रस सॉल्ट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आजल योजित लवण, आजल योजित लवण। कोई परेशानी? ये जल योजित लवण और वो आजल योजित लवण। अब बच्चों ये जल योजित और आजल योजित क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूं, CuSO4, FeSO4, Na2CO3 डॉट, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखता हूं ना इसको, ठीक है, और क्या लिखूं, Cu हो गया, ठीक है, ये हो गया, और कुछ लिखना है, बस इतना ही बहुत है यार, ये लिख लो। हाँ, CuSO4 जब तक है तब तक इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है बच्चों। लेकिन जैसे ही ये क्रिस्टल फॉर्म में आएगा, कॉपर सल्फेट किसके फॉर्म में आता है, क्रिस्टल फॉर्म में आता है, तो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर इसके हर क्रिस्टल में कुछ पानी की मात्रा होती है। आप देखना एक बात, आप देखना भाई, अगर आप देखते हो, आप अपना हाथ ना पूरा सुखा लो, पूरा सुखा लो सही से बिल्कुल, और चीनी को ऐसे पकड़ के आप ऐसे छोड़ दो, ठीक है, ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दो, आप क्या देखोगे, ऐसा कभी किसी का नहीं होता कि एकदम से मुट्ठी बंद की और पसीने हाथ में आ गए। बस आपको ऐसे बंद करना है, 5 सेकंड बाद छोड़ देना है, 4-5 सेकंड बाद छोड़ देना है। आप जैसे ही छोड़ोगे आप क्या देखोगे, कुछ चीनी आपके उसमें चिपक जाएगी, और जब वो चीनी आप हटाओगे तो वो चिपचिपा हो जाएगा। तो ये अचानक से भाई तुम्हारे हाथ में कोई पसीना नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो चिपचिपापन आया कहाँ से भाई? और पानी, और आपको पता ही है चीनी में चिपचिपापन तभी आता है जब उसके ऊपर वाटर टच हो जाए, तो वाटर आ कहाँ से रहा है? तो जरूर वो वाटर हो सकता है चीनी के अंदर छुपा हुआ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपका मोस्टली आंसर होगा नहीं, नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों ऐसा है, पानी छुपा होता है। ये जितने भी, जैसे ये वॉशिंग पाउडर, जो निरमा यू वगैरह जो भी यूज आप लोग करते हो, व्हील व्हील जो भी यूज करते हो, वो है, उसके क्रिस्टल भी देखे होंगे आपने, नीले लाल कलर के, व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी, तो जितने भी क्रिस्टल चीजें होती हैं हर किसी के अंदर पानी होता है बच्चों। आपको मैं ये भी बता दूं, हर किसी के अंदर पानी होता है। आप जो वो ब्लीच यूज करते हो तो उसमें भी क्रिस्टल होता है, पानी होता है। सॉल्ट यूज करते हो उसका भी क्रिस्टल है, पानी होता है। तो हर किसी में कुछ ना कुछ पानी का लेवल जरूर होता है, जो आपको क्या मिलेंगे, क्रिस्टल फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉपर सल्फेट जो होता है वो CuSO4 होता है, लेकिन जब ये क्रिस्टल फॉर्म में आता है तो इसके अंदर वाटर का 5H2O, यानी वाटर के 5 पॉइंट्स, यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं कॉपर सल्फेट, जिसे हम लोग नाम देते हैं, 5 का मतलब पेंटाहाइड्रेट। क्या नाम देते हैं? पेंटाहाइड्रेट, हिंदी में लिखेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब ये FeSO4 है, तो भाई इसके अंदर पानी के 7 मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसलिए इसका नाम है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और भाई क्या 7 है तो क्या होगा भाई, हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। इसी तरह Na2CO3 क्या होगा, 10H2O, तो ये क्या बनेगा भाई, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट
ठीक है, और क्या है 10 है तो डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट ठीक है। इसी तरह CuSO4 है तो भाई इसका जैसे मैंने 2 लगा दिया, 2H2O, तो इसका बनेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट, 2 है तो डाइहाइड्रेट, क्या बनेगा डाइहाइड्रेट। कोई दिक्कत? तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या देखा कि भाई जल योजित लवण हाइड्रस सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाए, जो क्रिस्टल फॉर्म प्लस, और उनके अंदर कौन सा कंडी क्या हो, क्रिस्टल प्लस वाटर फॉर्म में हो, मतलब क्या उनके क्रिस्टल में कुछ पानी का लेवल हो, उनके क्रिस्टल में क्या हो कुछ पानी की मात्रा हो, कुछ पानी का अमाउंट हो। तो हर क्रिस्टल का, हर प्रोडक्ट का अलग अलग पानी का लेवल हो सकता है। भाई इसमें 5H2O तक होता है, इसमें 7 तक होता है, इसमें 10 तक होता है, इसमें 2 तक होता है, तो उसी हिसाब से इनके नाम भी हैं। लेकिन बच्चों अगर इन्हें हीट कर दिया जाए, इन सभी को क्या कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए, तो आपको पता ही है हीट करने से पानी क्या हो जाता है भाई, गायब हो जाता है। पानी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद ये ओनली क्या रह जाएंगे, CuSO4, ये ओनली क्या रह जाएगा, FeSO4, ये ओनली क्या रह जाएगा, Na2CO3, ये ओनली क्या रह जाएगा, CaSO4, इस तरीके से। तो मतलब हमने क्या देखा कि जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो पानी उड़ गया, तो पानी उड़ने के बाद इसका नाम क्या रह जाएगा, कॉपर सल्फेट, क्योंकि अब तो पानी उड़ गया ना, तो पेंटा वेंटा लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे फेरस सल्फेट, अब इसमें हेप्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इसका सोडियम कार्बोनेट, इसका कैल्शियम सल्फेट, इस तरीके से। तो इसमें अब वाटर के नाम को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये होते हैं हाइड्रोसॉल्ट जिनमें पानी का मात्रा होती है, और ये वो सॉल्ट होते हैं अजलयोजित, एनहाइड्रोसॉल्ट जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती, ठीक है। नो अमा है ना, यहाँ लिखेंगे नो अमाउंट ऑफ वाटर, जल की कोई मात्रा नहीं, मात्रा नहीं, और इसमें भाई इसमें क्या, सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर, जल की कुछ मात्रा होगी, ठीक है ठीक है, जल की कुछ मात्रा होगी और इसमें जल की कोई मात्रा नहीं होगी। क्लियर हो रहा है सभी को? तो जल्दी से बच्चों फटाफट ये नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को सॉल्ट नंबर फर्स्ट पढ़ाता हूं, ठीक है, कि आखिरकार हमारा पहला सॉल्ट क्या है। चलो नोट करो इसे। चलो अच्छा देखो, तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, और अब हमें सबसे पहला सॉल्ट पढ़ना है, सबसे पहला सॉल्ट पढ़ना है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों इसको, धावन सोडा, ठीक है बच्चों, धावन सोडा। अब जरा ध्यान से देखना कि आखिरकार ये धावन सोडा क्या है, आखिरकार ये धावन सोडा क्या चीज है, ठीक है बच्चों। देखो नाम से क्लियर है, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा, मतलब क्या बच्चों कि हमें पहले, यानी ये वो चीज है जिससे हम लोग कपड़ों की धुलाई वगैरह करते हैं, ठीक है, जो आप लोग निरमा वगैरह जो भी व्हील वगैरह यूज करते हो ना, ये वही चीज है, ठीक है। अच्छा बच्चों अब बात आती है कि ये बनता कैसे है, अब बात आती है क्या कि ये बनता कैसे है। तो मैंने आपको बताया ना कि कोई सा भी सॉल्ट हो, अभी फिलहाल जो भी हम पढ़ेंगे उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, NaCl, क्या चाहिए हमें, NaCl। तो आप जानते हो NaCl कौन होता है, NaCl तो भाई कौन है, NaCl जो है बच्चों वो है आपका कौन, NaCl है कौन भाई आपका, सोडियम सॉल्ट। अच्छा ये हमारा ये सोडियम, ये सॉरी सॉरी कॉमन सॉल्ट है, हमारा साधारण नमक है जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। एक हमें चाहिए NH3 जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया, क्या कहते हैं, अमोनिया, हिंदी में भी अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए हमें बच्चों, और चाहिए हमें एक तो वाटर, और हमें क्या चाहिए साथ में, CO2, ठीक है जी, ये चार चीजें चाहिए होती हैं हमें वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग ये चार चीजें लेंगे और लेके इसको हीट करेंगे बच्चों, हमारे पास दो चीजें बनना तैयार बन के तैयार हो जाएंगी। एक होगी बच्चों NaHCO3, एक तो ये बनेगा,
और एक बनेगा बच्चों NH4Cl, क्या बनेगा NH4Cl। अच्छा इसका नाम होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप लोग हिंदी में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बोलोगे। ठीक है अच्छा हाँ जी बच्चों, तो आपको ये पता चल गया कि भाई इनको हमने ऐड किया हीट किया ये बना। अच्छा अब कुछ बच्चों की क्वेरी होगी कि ये बना कैसे ये बताइए हमें। तो देखो बच्चों वैसे इसका क्या होगा, इसका जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक आप इसका क्या नहीं करोगे प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि हाँ जी ये बना कैसे। ठीक है तो मैं आपको, लेकिन भाई अभी हमारे पास कुछ इक्विपमेंट तो है नहीं तो फिर भी आपको समझाना है तो आपको मैं बता दूँ ये बनेगा कैसे। क्योंकि बच्चों NaCl, NH3, H2 और CO3, ये तो मैंने आपको बताया कि भाई ये आपका कॉमन सॉल्ट है। तो ये ऐसा कॉमन सॉल्ट है बच्चों जो सारे प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने की भाई क्या रखता है हिम्मत रखता है। तो देखो जब CO2 और H2O आपको पता, मैंने बता रखा है पहले भी कि अगर आपको CO2 और H2O पहले से मिला हुआ हो तो आपको पता है कि वहां पे जरूर कोई ना कोई कार्बोनेट फॉर्म होता है, जरूर कोई ना कोई कौन सा फॉर्म होता है कार्बोनेट फॉर्म होता है। तो बच्चों H2O और CO3 तो Na से मिला के क्या बनाएगा कार्बोनेट फॉर्म बनाएगा, जिसमें आपका क्या इंक्लूड है बच्चों पहले से ही हाइड्रोजन इंक्लूड है। देख रहे हो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी है हमारे पास इसलिए हमने ये इंक्लूड किया। लेकिन बच्चों हमारे पास अमोनिया भी है तो अमोनिया भी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के देगा, तो वो क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन करके दे रहा है, वो हमें क्लोरीन के साथ बच्चों बना के दे रहा है अमोनियम क्लोराइड। क्या बना के दे रहा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ये बना के दे रहा है। ठीक है बच्चे अच्छा और ध्यान से देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं ये अमोनियम क्लोराइड पता है कौन है, ये अमोनियम क्लोराइड जो आप लोग पूजा वगैरह करते हैं तो कपूर जलाते हैं कपूर कैम्फर, ये वही होता है बच्चों कैम्फर। ठीक है कैम्फर कपूर, ठीक है जो भी आप समझना शाहिद कपूर करीना कपूर जो भी है ये सारे कपूर है। ठीक है जी तो इस तरीके से ये एक प्रोडक्ट बनता है और एक ये प्रोडक्ट बनता है। अच्छा अब आपको तो पता ही है कि कपूर कितनी तगड़ी चीज है, क्या अगर इसको जलाया जाए तो आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट ये क्या नाम है इसका सब्लिमेशन मेथड उर्ध्वपातन विधि पढ़ा है ना इंग्लिश में सब्लिमेशन मेथड, हिंदी में उर्ध्वपातन विधि, क्या कि अगर हम इसको हीट कर दें तो ये अपने स्टेट को डायरेक्ट गैस में बदल लेता है, ये अपने स्टेट को डायरेक्ट किसमें बदल देता है गैस में। तो बच्चों हीट तो हम कर ही रहे हैं, हीट तो हम कर ही रहे हैं तो मतलब होगा क्या, ये जैसे ही बनेगा बनते ही क्या हो जाएगा गैस में बदल जाएगा, बनते ही किस में बदल जाएगा गैस में, और ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो अब क्या हो गया ये तो भाई गैस बन के उड़ गया तो बचा हमारे पास ये। ठीक है इसको उठा उठा के हम यहां पे लाएंगे NaHCO3। अब इसको कुछ नहीं करना बच्चों इसको हीट करना है, ठीक है हाई फ्लेम पे हीट करना है। जैसे ही बच्चों आप इसको हाई फ्लेम पे अधिक लो पे गर्म करेंगे तो इसमें से आपको मैंने बताया ना कि भाई ये अपनी ताकत बाहर निकालना शुरू करेगा, ये क्या करेगा ये अपनी ताकत बाहर निकालना शुरू करेगा और क्या करेगा बच्चों ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस, हीट करने की वजह से क्या जाएगा भाई इसमें से CO2 और H2O भी बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा CO2 और H2O भी बाहर निकलेगा। लेकिन बच्चों यहां पे याद रखना जब हीट हाई फ्लेम पे की जाती है तो ऑक्सीजन भी बढ़ जाता है, ऑक्सीजन भी क्या कर दिया जाता है भाई बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज को जब हाई फ्लेम पे जलाओगे तो वो कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन गेट करूं, वो कोशिश क्या करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन गेट करूं। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन गेट करने के चक्कर में ये NaHCO3 का CO2 और H2O तो निकलेगा ही और साथ में प्रोडक्ट में क्या बनाएगा ये Na2CO3 जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, क्या नाम है सोडियम कार्बोनेट। और बच्चों ये दोनों तो आपको पता ही है CO2 भी गैस बन के उड़ जाएगा और ये पानी भी गैस बन के उड़ जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा Na2CO3। और याद रखना मैंने क्या बताया था ये कौन से फॉर्म में बनेगा क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टल बोले तो रवा, रवा के रूप में बनेगा। और बच्चों आपको अच्छे से पता है कि जितने भी रवे होते हैं क्रिस्टल होते हैं ये सारे के सारे क्रिस्टल बच्चों आपको मैं बता दूं वाटर सोखने की वाटर को एब्जॉर्ब करने की अपने अंदर क्या रखते हैं हिम्मत रखते हैं, कुछ ना कुछ कैपेसिटी रखते हैं कि बच्चों हम भाई क्या कर सकते हैं हम लोग वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो याद रखना Na2CO3, Na2CO3 का एक पार्टिकल का एक कण Na2O वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है Na2O, और इसी के साथ बना Na2CO3 डॉट Na2O,
जिसका नाम बना सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, टेन का मतलब डेकाहाइड्रेट, क्या बना? डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, डेका डेका हाइड्रेट। ठीक है बच्चों, डेका हाइड्रेट। और यही कौन होता है? यही हमारा वॉशिंग सोडा होता है। यही हमारा कौन होता है बच्चों? वॉशिंग सोडा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, पूरा प्रोसेस, तो आपको बता दिया मैंने, इन पहले चारों को मिलाओ, हीट करो, ये बनाओ, ये गैस बन के उड़ गया, ये इधर आएगा, एक्सेसिव ऑक्सीजन के अंदर हीट करेंगे तो CO2 और H2O गैस बन के उड़ जाएगा, बचेगा ये। अब इसको क्रिस्टल फॉर्म में लाना है, तो हम इसके अंदर, इसके एक पार्टिकल में कितना वाटर मिलाएंगे? 10 वाटर मिलाएंगे, और ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो क्या है? वॉशिंग सोडा है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? धावन सोडा। और यही आप लोगों, इसी का इस्तेमाल करके आप लोग क्या धोते हैं? कपड़े धोते हैं। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, तो फटाफट जल्दी से नोट करो, फिर इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ और भी। जल्दी से नोट करो इसको, इसे जल्दी से नोट करो, फिर इसके बारे में कुछ बताता हूँ बच्चों मैं आपको। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कहाँ यूज़ होता है, तो आप पहले क्या बताएंगे? भाई इसका यूज़ होता है कपड़े धोने में। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब, और देखो, हाँ एक बात और बता दूँ, इसके यूजेस ना आपको NCERT से पढ़ने हैं। NCERT से क्या पढ़ने हैं? उसे यूजेस, हिंदी में उपयोग, ये सब कहाँ से पढ़ना है आपको? NCERT, जो आपकी किताब है ना, NCERT की किताब, उसमें वॉशिंग सोडा के टॉपिक में यूजेस लिखे हुए हैं, तो वो यूजेस पढ़ने हैं आपको। ठीक है, कि भाई कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो ये यूज होता है पहला कहाँ पे? कपड़े धोने में। दूसरा कहाँ यूज होता है बच्चों? दूसरा यूज होता है ये फैक्ट्रीज में, जो वॉशिंग क्लोथ वगैरह होते हैं, तो फैक्ट्रीज में। ठीक है, और कहाँ यूज हो सकता है बच्चों? क्रिस्टल फॉर्म करने में, यानी नए नए क्रिस्टल बनाने में, नए नए रवे बनाने में, तो इसमें ये इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे यूज वहां NCERT में लिखे हुए हैं, वहां से आपको पढ़ना है NCERT में इसके यूज। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये मिटा दूं ना, ये उतार लिया होगा। सॉल्ट नंबर पहला वॉशिंग सोडा, मैंने आपको पढ़ा दिया वॉशिंग सोडा का नाम क्या है, वॉशिंग सोडा कैसे बना, और आखिरकार 10H2O क्या चीज है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में आपका, अगला टॉपिक आता है बेकिंग सोडा। अगला टॉपिक क्या आता है? बेकिंग सोडा। ये आज का लास्ट मैं वो पढ़ा रहा हूँ सॉल्ट, उसके बाद फिर बाकी के जो 3-4 सॉल्ट बच गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा के खत्म कर दूंगा। बेकिंग, और फिर NCERT के क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब क्या भाई? पाक सोडा, पाक सोडा। ठीक है बच्चों, ये कैसे बनाया जाता है? बच्चों ये भी ऐसे ही बनाया जाता है, जिस तरीके से हम लोगों ने वॉशिंग सोडा बनाया था, वैसे ही हम लोग बेकिंग सोडा भी बनाते हैं। तो बेकिंग सोडा भी ऐसे ही बनता है, NaCl, NH3, H2O, CO3, ये बन गया। अब देखो, अब एक बात बता देता हूं मैं आपको, यहां तक पहुंच गए ना, यहां तक पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद आपको पता है ये तो गैस बन के क्या हो गया भाई? उड़ गया। ये तो गैस बन के क्या हो गया भाई? उड़ गया। तो बचा कौन? बचा आपके लिए NaHCO3, जिसका नाम आपने क्या बोला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और बच्चों इसी का तीसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा। इसी का तीसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा, यानी जिसे आप लोग पाक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं?
पाक सोडा। तो लो जी बच्चों बात खत्म। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, पाक सोडा कैसे बनाया जाता है, तो बस बच्चों बात खत्म। NaCl, अमोनिया, वाटर, CO2, हीट किया भाई, अमोनियम क्लोराइड तो गैस बनकर उड़ जाएगा क्योंकि कैम्फर है, और बचा क्या, NaSCO3, उसी को हम तीन नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी जानते हैं, और बेकिंग सोडा से भी जानते हैं। तो यही होता है बच्चों हमारा बेकिंग सोडा। और बच्चों आपके यूजेस आपको बताया ना, यूजेस NCERT से पढ़ने हैं, और यूजेस आप अच्छे से जानते ही हो क्या होते हैं कि बच्चों बेकिंग सोडे का क्या यूजेस है। पहला भाई पकोड़ों में यूज करते हैं क्रिस्पी करने के लिए, केक में यूज करते हैं स्पंजी बनाने के लिए, ठीक है, और दूध में यूज करते हैं ताकि चाय अच्छी बने, ठीक है। तो बच्चों बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं भाई, पकोड़े वगैरह को क्रिस्पी बनाने के लिए, केक वगैरह को स्पंजी बनाने के लिए, और साथ में क्या बच्चों और कहाँ यूज होता है, और यूज होता है ये आपका, और यूज होता है आपका कहाँ भाई, ये अभी क्या बताया था तीसरा मैंने, एक तो केक में यूज बताया, पकोड़ों में यूज बताया, और तीसरा क्या बताया, तीसरा क्या बताया, तीसरा भी, तीसरा क्या बताया था मैंने, ये मैं ही भूल गया बताऊँ। ठीक है मैं भूल गया यार, ठीक है अभी बताया बताओ, भूल गया, ठीक है रिवाइंड करके देख लेना क्या बोला है, ठीक है। अच्छा तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीजें पढ़नी है कहाँ से, NCERT से इसके यूजेस पढ़ने हैं। और बाकी मैंने बच्चों ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी, ठीक है। बेकिंग सोडा तक हमारा खत्म हो गया है, इसके आगे दो तीन सॉल्ट जो भी बचे हैं वो सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और जो लिखवाना रहेगा थोड़ा बहुत वो लिखवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही खत्म।